तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ वन यूआई 6.1.1 का कमाल के हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी में मिलेंगे आफ्टर वन यूआई 6.1.1 अपडेट करने के बाद। क्या ये हिडन फीचर है, क्या हम मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के नए फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं हिडन फीचर बताने वाला हूँ वन यूआई 6.1.1 के। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर बताने वाला हूँ वो है फाइल मैनेजर के अंदर। तो आप यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आप अपने किसी भी चीज में या कोई भी एक्टिविटी में आ गए, लाइक मेरे को अपनी कोई फोटोज को मूव ऑन करना है या कॉपी करना है। तो पहले क्या होता था, हम जब भी कॉपी पे क्लिक करते थे, कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम बैकअप हमको ही खुद को बैक आना पड़ता था, और फिर हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ता था, फिर हम जाके उसमें क्लिक करके पेस्ट करते थे। बट अब इसमें जैसे एक सिस्टम की तरह हो गया है, जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करोगे या मूव पे क्लिक करोगे, जैसे कि आप देखेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ कॉपी पे क्लिक करा, आप देख रहे होंगे पट से एक पॉपअप सा आ गया है, और उस पॉपअप के अंदर आपको जहां भी अपने डेटा या अपनी कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वन ड्राइव में करना हो, गूगल ड्राइव में करना हो, नेटवर्क स्टोरेज में करना हो, तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको जहां भी सेव आउट करना है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको वहां पर सेव ऑन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला कमाल का फीचर ये है कि आप डायरेक्टली कॉपी इजीली यहां पर आप कर पाएंगे। अब दूसरा फीचर बताने वाला हूँ वो भी इसी के अंदर है, वो भी बहुत कमाल का है। कुछ फोटोज या कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं हमें बार बार उसको एक्सेस या हमें देखना होता है, मान लो यार हमारी खुद की फोटो ही है, हमें लगता है बार बार हमें देखना है, या कुछ ऐसा नोट है जिनको हमको बार बार पढ़ना है, तो आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपल यहाँ से उसको पकड़ के रखना है, इसको जैसे आपने रखा इसको यूं पकड़ के इसको ड्रैग एंड जैसे दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, यूं करके आपको यहाँ पर उसको छोड़ देना। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे ना वहां पर ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा, आप देख रहे होंगे, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, सीधी आपकी फोटो वहां पर ओपन हो जाएगी। आपको बार बार कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी आपकी वही वाली फोटो ओपन होगी जो आपको देखना है, तो सीधी आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है और ज्यादा काफी अच्छा इफेक्टिव है। ये था सेकेंड फीचर। उसके बाद बात करें थर्ड फीचर की, जो कि बहुत ही कमाल का, दैट इज AI इंटेलिजेंट फीचर, जो कि मुझे बहुत शानदार लगा। मान लो ये मेरी फोटोज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यूं करा, एच पैनल से मैंने यहाँ स्मार्ट सिलेक्ट पे एक नया फीचर ऐड ऑन किया गया, उसको चेंज कर लिया। जैसे ही करूंगा तो आप देखेंगे उसने पूरी डिवाइस की पूरी पूरे फुल स्क्रीन को कैप्चर कर लिया। मुझे जिस फोटो को या फिर जिस मतलब जिस चीज को मुझे हाईलाइट करना है, मैंने उस पर टैप करना है, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसको वो क्लिक कर लेगा। देख रहे हैं, मुझे मान लो इसका निकालना है तो ऑटोमेटिक उस साइज से रिलेटेड वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। आपको यहाँ पर स्केच टू इमेज का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आपको कॉपी करने का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का भी। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा करके इसको कहीं भी शेयर ऑन कहीं भी कुछ भी करना हो ना, आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, या बहुत ही शानदार AI फीचर मुझे लगा यूजफुल। तो ये था थर्ड फीचर जो कि बहुत ही शानदार। के बाद दोस्तों बताने वाला हूँ फोर्थ फीचर जो कि बहुत ही कमाल का है। अगर आप कोई वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे कहीं भी, उसको पाइप मोड पे आप यूज कर रहे हैं, PIP मोड्स पे, तो यहाँ पर आपको एक कमाल का फीचर मिल जाता है। आप इंस्टेंटली इसको स्प्लिट स्क्रीन मोड में या फिर मल्टी स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर नीचे जहाँ भी उसको ड्रैग ऑन करना है वहाँ ड्रैग करेंगे, वो वहाँ पर आ जाएगा, और साथ में आप कुछ अपना अलग से जो भी एक्सेस करना चाहो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका फोर्थ फीचर जो कि बहुत ही कमाल का है और यूजफुल फीचर है। मुझे ये भी फीचर बहुत ही शानदार लगा। और जो फिफ्थ फीचर है वो है इसी के अंदर। अब मान लो अगर आप कोई वीडियो को प्ले कर रहे हो तो आप इंस्टेंटली उसको यहाँ पर डबल प्रेस करके 5 सेकंड के लिए यहाँ पर बैक ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर भी पहले ये नहीं आता था, अब आपको यहाँ पर ये सपोर्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि आप इंस्टेंटली वीडियो को प्ले आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर पाए। तो फिफ्थ फीचर ये था। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट सिक्स फीचर की, जो कि है बहुत ही शानदार, वो है आपका करना। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है गैलेक्सी AI में। गैलेक्सी AI में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो एम्बेडेड वॉलपेपर। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। ये क्या काम करता है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी फोटो को इसके अंदर थ्रू लगा देंगे तो ये क्या करेगा, आपके मोबाइल के हिसाब से मतलब वेदर के हिसाब से अपनी फोटो को एडजस्ट करेगा। लाइक कैसे, मान लो मैंने अभी अपने मोबाइल में लगा के रखा हुआ है, स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे काम करता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं बारिश, जैसे मेरे यहाँ बादल है, क्लाउडिंग फीचर है, तो ऑटोमेटिक क्लाउडिंग बता रहा है, और जैसे ही नॉर्मल मेरा यहाँ का वेदर हो जाएगा तो
वेदर नॉर्मल बताने लग जाएगा, सनलाइट में हो तो सनलाइट आ जाएगी, रेनिंग आ रही हो तो रेनिंग के वहां पर इफेक्ट्स आपको देखने लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है और ये भी बहुत ही शानदार है। अब इसके बाद एक लास्ट फीचर बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगा है वो भी अच्छा ही फीचर है, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही शानदार फीचर है। वो है आप इसके अंदर जो भी चीज को ड्रॉ करेंगे ना, वो आप उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं ये चीज क्या है। लाइक आपने कुछ भी बना दिया, भाई मेरी ड्राइंग तो वैसे ही बहुत बेकार है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कुछ बनाने का, लाइक मैंने यहाँ पर ये ऐसा बनाया, अब आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, उससे रिलेटेड आपको फोटोज बता देगा या उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगे ना वो आपको यहाँ पर ट्राई करके बता देगा कि भाई ये चीज है, आपको कहीं भी सेव करना हो या किसी को सेंड करना है तो आप उसके थ्रू वहां पर सेंड आउट या सेव आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है, आप देख रहे हैं जैसे मैंने बनाया था उससे रिलेटेड उसने फिर भी बता दिया। आप इस तरीके से मैंने तो बिल्कुल बेकार बनाया, आप उससे अच्छी खासी वहां पर ड्राइंग और अच्छा खासा उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही नया अपडेट था, यही हिडन फीचर जो कि होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।